भूतिया परिवार के आंगन के सस्ते टमाटर। अब यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, धरती के लोक पर चले वहीं रह लेंगे। लेकिन बहू, बिना शरीर के हम ज्यादा समय धरती पर नहीं रह सकते हैं। नहीं नहीं रह सकते हैं, वो भी एक ही सूरत में, उनकी लाश पास में हो तो हम उनका रूप धारण करके रह सकते हैं। ठीक है, अगर हमें अपना जैसा ही परिवार मिल गया तो हम उनकी हत्या कर हम उनके भेष में रहेंगे। अरे वाह, हम घूमी घूमी करके धरती लोक पर जा रहे हैं। नहीं, दादू ने कहा है हम वहीं रहेंगे, है ना माँ? हाँ बच्चों, आपको जो जरूरी सामान है वो ले लेना। ये अब तो बहुत मजा आएगा। तत्पश्चात भूतिया परिवार नीमगंज नामक एक गांव में प्रवेश करता है, जहां वो अपने जैसे परिवार को ढूंढने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, पूरा परिवार पीपल के पेड़ पर बैठ जाता है। भूतिया बच्चों को भूख लगने पर उनकी चुड़ैल दादी उन्हें कुछ मांस के टुकड़े खिलाती है, फिर वो सो जाते हैं। अगले दिन फिर से भूतिया परिवार गाँव में अपने जैसा परिवार ढूंढ रहे थे, जहाँ बूढ़ी माया और रमेश कहते हैं, अरे बाजार में देखो कितना सब कुछ महंगा हो गया है, हमें भी अपने सब्जियों के दाम बढ़ाने होंगे। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो माया, और हमें बच्चों को भी बताना पड़ेगा। मैंने तो सुना है बहुत जल्द अब टमाटर के रेट बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बरसात की वजह से उसकी फसल अच्छे से नहीं हो पा रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, चलिए आंगन में टमाटर के बीज बो देते हैं। देख कर लग रहा है शायद ये दोनों ठीक रहेंगे, चलिए पूरे परिवार को भी देख लेते हैं। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। भूतिया परिवार उस सब्जी वाले परिवार पर नजर रखता है और पाता है कि उनके घर में भी दो बच्चे और दादा दादी पति पत्नी हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, अब हमारे जैसा परिवार मिल गया। तो देख किस बात की, आज रात को ही हम इन्हें मार कर इन्हें दफना देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ ठीक है ठीक है। भूतिया परिवार के रात का इंतजार खत्म होता है, वो भूतिया लोग उनके घर में पहुंच जाते हैं। इतने मासूम निर्दोष परिवार की हत्या करने का मन नहीं कर रहा, तो मासूम बच्चे भी हैं, वो भी हमारे पोते पोती जितने। पर माँ जी, हमें करना पड़ेगा। रात को उनके सोते समय भूतिया परिवार मासूम परिवार की जान ले लेता है और उनके शरीर को उनके सब्जी के आंगन में दफना देते हैं। जल्दी से और मिट्टी डालकर दफन कर दो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ माँ, हम अभी कर रहे हैं। अम्मा पापा, मैं भी आपकी मदद करूँ? हाँ हाँ बच्चों, जल्दी जल्दी करो, कोई देख न ले। उसके बाद टमाटर के बहुत सारे बीज डाल दो। इन लोगों से मैंने सुना था कि टमाटर के रेट बढ़ने वाले हैं, ये हमें आम आदमी की तरह रहने में मदद करेगा। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब सब इन लोगों की तरह का रूप धारण कर लो। रोहित, टीना, तुम दोनों बच्चे भी करो, अब से हम यहाँ पर ऐसे ही रहेंगे। ठीक है दादी। उसके बाद भूतिया परिवार मरे हुए परिवार की तरह रूप धारण कर लेता है और टमाटर के बीज बोने के बाद उसमें पानी दे देते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन भूतिया परिवार आम इंसानों की तरह उठकर चाय नाश्ता करते हैं। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है, सब लोगों को अपने नाम तो पता है ना, या हमारे क्या नाम है? मेरा नाम है माया, टीना तुम केतकी हो, और रोहित तुम्हारा नाम पप्पू, और बहू बेटा तुम अब से यहाँ काव्य और मुकेश बनकर जियोगे। ठीक है, चलो अपनी नई जिंदगी का स्वाद लेते हैं, थोड़े और चाय पकौड़े लेकर आ, बाहर बारिश हो रही है वैसे भी। जी पापा जी, अभी लाई। सभी लोग खुशी के साथ चाय नाश्ता करते हैं। चमन बाहर जाता है और अपने टमाटर के पौधे में भी पानी डालता है। अरे माया, जरा देखो तो सही, हमारे टमाटर की पैदावार कितनी ज्यादा आई है, वो भी एक दिन के भीतर। अब तो हमें यही बेच कर गुजारा करना होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं। अरे रमेश भाई, आपकी तो बहुत अच्छे टमाटर की पैदावार हुई है, कल तक तो थे नहीं, आज क्या बात हो गई? अरे भगवान की दया से हमारे आंगन में इतने सारे टमाटर आ गए, अब तो हम शाम को यही बेचने जाएंगे। बढ़िया है बढ़िया है। इसके बाद शाम को चमन अपने बेटे राघा के साथ बाजार में सब्जी बेचने जाता है और आम इंसान की तरह वो अपना पेट पालते हैं। एक हफ्ता गुजर जाता है, भीषण बारिश होने के कारण कई लोगों की टमाटर की फसल खराब हो चुकी थी, सिर्फ भूतिया परिवार के टमाटर को छोड़कर। ऐसे में मंडी में टमाटर बहुत महंगे हो जाते हैं, इससे कुछ सब्जियों पर भी असर पड़ता है, तो वो भी महंगे हो गए थे, जिससे आम इंसान लेने में असमर्थ था। वही शाम को मंडी में दोनों भूतिया बाप बेटे सस्ते टमाटर बेच रहे थे। आइए आइए, 20 रुपए किलो टमाटर ले लीजिए, आइए 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 आइए, सस्ते सस्ते टमाटर लीजिए, आइए आइए। पूरी दुनिया में टमाटर महंगे हो गए हैं और आप अभी भी सस्ता क्यों देख रहे हैं? आपको तो मौके का फायदा उठाना चाहिए। अरे नहीं बहन जी, ऐसे गरीब लोगों के पेट पर लात मारना सही नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है और टमाटर की फसल ज्यादा है,
इसलिए मैं वही रेट रेट में बेच रहा हूँ। इसलिए जिसे भी लेना है ले लेगा। किसी सोने से कम नहीं है इस वक्त टमाटर। चलिए मुझे 5 किलो तोल दीजिए। भैया टमाटर खत्म हो जाए उससे पहले आप मुझे भी 5 किलो दे दीजिए। लीजिए लीजिए। तभी दोनों बाप बेटे सारे टमाटर मंडी में बेच देते हैं। वहीं सास बहू अपने आंगन से ही कुछ लोगों को बोरियों के भाव टमाटर बेच रही थी। अरे काव्या भाभी, आपको टमाटर बोरी में रखने में परेशानी हो रही है? मैं भी आंगन में से टमाटर बोरी में डाल दूं, जल्दी काम हो जाएगा। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अरे आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं कर लेता हूँ। काव्या और माया की बात ना सुनने पर किशन खुद ही टमाटर को आंगन से निकाल कर बोरी में भरने लगता है। तभी उसका पैर एक हाथ पर पड़ता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। वो थोड़ी आगे से टमाटर बोरी में डालता है तो उसे काव्या की लाश का चेहरा जमीन में दिखता है। ये क्या है? अगर काव्या भाभी मेरे सामने है तो ये लाश, ये चेहरा किसका है? और अभी हाथ पर भी आया था। अरे मुझे डर लग रहा है, मुझे जाना होगा यहाँ से। क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? टमाटर रख लिए? मैंने अम्मा जी रख लिए। किशन फौरन टमाटर की बोरी लेकर निकल जाता है। वो ये बात आसपास के लोगों को बताता है। मैं सच कह रहा हूँ, एक बार आपको भी जाना चाहिए, लेकिन पता न चले। हम सब बारी बारी से जाएंगे उससे टमाटर लेने, एक तरह से अच्छा ही है, कम से कम हमें टमाटर तो मिल रहे हैं सस्ते। गांव के लोग बार बार टमाटर लेने के बहाने उनके आंगन में थोड़ा बहुत खोद कर पता लगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनका शक सही होता है। फिर एक रात गांव वाले उस टमाटर के आंगन को खोद देते हैं जिसमें उस सब्जी वाले परिवार की लाश मिलती है। जब ये पता चलता है तो गांव के लोग मशाल लेकर भूतिया परिवार से कहते हैं, हमें पता चल गया तुम कोई भूत वगैरह हो, क्योंकि जिसके भेष में तुम रह रहे हो उन लोगों की लाश हमें मिल चुकी है। अब बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, क्या चाहते हो? देखो सच सच बताना, वरना हम मशाल से तुम सबको जला देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस यहाँ पर अपने सुकून से रहने के लिए आए थे, पर हमने किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं किया। पर हम जिस परिवार के रूप में रह रहे हैं, हमें उन्हें मारना जरूरी हो गया था। मेरे पति बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये देखिए हमारा असली रूप, हम सब भूतिया लोक से आए हैं, भूत और चुड़ैल, हम किसी को मारने के मकसद से बिल्कुल नहीं आए हैं। भूत चुड़ैलों का क्या किया जाए, मार दिया जाए इन्हें? नहीं नहीं अंकल आंटी, हमें मारिए मत, हमारे मम्मी पापा दादा दादी हमें घुमाने के लिए यहाँ पर लाए थे, हमें बहुत मजा आया यहाँ पर रहने में, हमने आपके बच्चों के साथ भी खेला। हमें इन लोगों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जब हमारे गांव में अकाल पड़ गया सारे सब्जियों का, तो इन लोगों ने सस्ते टमाटर को ही खरीद कर हमने अपनी मंडी में बेचा और अपना घर भी चलाया। हमें छोड़ दीजिए, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यहां से दूर चले जाएंगे। ठीक है तो आप सब यहां से फौरन चले जाओ। हमें माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह भूतिया परिवार अनेक टमाटर को अपने आंगन में छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से किसी दूसरी सुनसान जगह पर जाकर अपना बाकी का जीवन यापन करते हैं। अंगना नगर के गांव में हमेशा की तरह शांति थी, सभी लोग सुकून से सादगी भरा जीवन बिता रहे थे। वहीं गांव के पास एक बहुत पुराना श्रापित जंगल था। उस जंगल के आस पास कोई भी नहीं रहता था सिवाय एक बूढ़े आदमी के। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई जंगल की तरफ जा रहा हो। वो बूढ़ा आदमी अपनी कुटिया से निकल कर आया तो उसने 2 सफेद घोड़ों को उस जंगल में घुसते देखा। उस आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज भागते हुए उसके अंदर चले गए। अब पता नहीं कि कुदरत इन बेजुबानों के साथ कौन सा खेल खेलने वाली है। वो आदमी ऐसे बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर उन घोड़ों का मालिक भागता हुआ आया। बेटा, यहाँ इस भयानक जंगल के आसपास तुम क्या कर रहे हो? क्या ही बताऊँ चाचा, आज ही मैंने बड़ा महंगा और तगड़ा घोड़ा का जोड़ा खरीदा था, न जाने कहाँ चला गया। मेरी शादी के लिए मैंने उन्हें खरीदा था, लेकिन अब तो उनका कहीं पर भी पता नहीं है, पर मैं उन्हें ढूंढ ही लाऊंगा। वो आदमी ऐसा बोलकर उस जंगल की तरफ जाने लगा कि तभी, नहीं बेटा, वहां जाने की गलती मत करना। क्यों चाचा? क्योंकि वो एक श्रापित जंगल है। चाचा लगता है इस उम्र में आपका दिमाग सटिया गया है। कोई नहीं, इस उम्र में ऐसा हो जाता है। मेरी बात का यकीन करो। चाचा ये सब बातें हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी मुझे मेरे घोड़े को वापस लाना है।
वो आदमी ऐसा बोलता हुआ जंगल में चला गया और उसके जंगल में प्रवेश करते ही जंगल से बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हुए बाहर आए और एक जोर की रोशनी निकली। बोला था ना कि मत जाओ। इसी तरह से सिलसिला जारी था। कोई ना कोई रोज ही उस जंगल में जाकर अपनी जान से हाथ धो बैठता था, लेकिन अभी तक ये कोई नहीं समझ पाया था कि आखिर उस जंगल में जाकर इंसानों के साथ होता क्या है। बस रोज लोगों के उस जंगल में जाकर कभी वापस ना आने का सिलसिला जारी था। इसी तरह से एक दिन रोती चिल्लाती हुई दो लड़कियां बहुत तेजी से भागती हुई उस जंगल के रास्ते पहुंची। ये गुंडे तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, क्या करें। अरे देख यहाँ पर जंगल है, चल कहीं जंगल में ही छिप जाते हैं। दोनों लड़कियां जंगल में ही चली गईं। उनके जंगल में जाते ही सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ और फिर वो भी उसी में गायब हो गई। इसी तरह जो लड़के उनका पीछा कर रहे थे वो भी उस जंगल का शिकार हो गए। रोज उस जंगल में जाने वालों की संख्या बढ़ रही थी और उस जंगल से लौट कर अभी तक कोई भी नहीं आया था। ऐसे ही सिलसिला चलते हुए एक महीने से ज्यादा बीत चुका था और एक दिन, अरे आज ये चांद इतना बड़ा और अजीब सा क्यों लग रहा है। उस आदमी ने चांद की तरफ देखा जो बहुत बड़ा लाल रंग का एक भयानक आग के गोले की तरह दिख रहा था। अभी वो बूढ़ा आदमी चांद ही देख रहा था कि तभी वहाँ से ढोल ताशे के साथ गाँव के मुखिया के बेटे की बारात गुजरी। आज गाँव का हर आदमी और औरत मेरे बेटे की बारात का खाना खाकर जाएंगे। बूढ़ा आदमी सभी को इतना खुश देख मुस्कुराने लगा कि तभी राम उसे देखकर बोला, अरे चाचा आपके घर मेरी शादी का बुलावा नहीं पहुंचा। अब मेरे जैसे बूढ़े और गरीब को कौन याद रखेगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आज मैं गांव के हर बच्चे और बूढ़े को मेरी शादी में आने का प्रस्ताव दे चुका हूँ, तो मैं आपको बिना अपनी शादी की कचौड़ियाँ खिलाए नहीं भेजूंगा। राम घोड़ी से उतर गया और उस बूढ़े आदमी को बुलाने लगा। अभी बस वो दो से तीन कदम ही चला था कि तभी जंगल से खूब सारे लोगों की बारात आती हुई दिखाई दी। उस बारात में ढोल ताशे वाले से लेकर बच्चे बूढ़े जानवर सभी थे और सभी नाचते गाते और खूब अपनी भयानक आवाजों में उधम मचाते हुए आ रहे थे। आज क्या मेरे सिवा किसी और की भी शादी है। जैसे जैसे वो करीब आए बूढ़े आदमी ने उनका चेहरा देख लिया और वो राम का हाथ पकड़कर जल्दी से उसे अपनी कुटिया में ले गया। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो। शांत रहो। वो बारात इंसानों की नहीं बल्कि भूतों की थी। उस बारात में दूल्हा घोड़ों पर बैठा हुआ था और वो भी एक भूत ही था। ये सब क्या हो रहा है। समझ गया, ये सब तो वही लोग हैं जो अनजाने में इस जंगल की सच्चाई को बिना जाने ही इसके अंदर चले गए थे और कभी लौट नहीं पाए। मतलब अभी शांत रहो, बाद में बताऊंगा। वो दोनों खिड़की से देख रहे थे। वो सारे भूत और चुड़ैल इंसानों पर टूट पड़े और बारात में आई हर एक लड़की को उन्होंने बंदी बना लिया। चलो साथियों हम लोग अपनी दुल्हनों को लेने गांव चलते हैं। भूत के एक आदेश पर सभी गांव की तरफ ढोल ताशे लेकर निकल पड़े और घर में घुस घुस कर लड़कियों को अगवा करने लगे। माँ बचाओ बचाओ, बाबा। अरे हैवानों छोड़ दो, मेरी बच्ची को कहाँ लेकर जा रहे हो। उन पत्थर दिल भूतों पर किसी भी माँ की चीख का असर नहीं हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ, ये भूत तो मेरे गांव की तरफ निकल गए हैं, मुझे कुछ करना होगा। राम घर से निकलकर भागने लगा, तभी वो बूढ़ा आदमियों से रोकते हुए बोला, बेटा इस तरह खाली हाथ जाना बेवकूफी है, तुम उनकी ताकत के आगे कुछ नहीं हो, अगर तुम ऐसे गए तो तुम भी मारे जाओगे। तो मुझे क्या करना चाहिए। मेरी बात सुनो। बूढ़े आदमी ने राम को अपने विचार बताए। राम को भी उसका आइडिया पसंद आया और वो दोनों सीधे एक महान तांत्रिक बाबा के पास पहुँचे। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक बात बता दूँ, वो जंगल मायावी है, शापित है और कोई उसके ऐसे होने के राज को नहीं जानता है, इसीलिए मैं कह नहीं सकता कि वो लोग मेरी शक्तियों से खत्म हो भी जाएंगे या नहीं। बाबा आप कुछ तो कर ही सकते हो जिससे कि वो हमारे पास ना आ पाए। शायद। राम तांत्रिक को अपने गांव लेकर पहुंचा। पूरा गांव सूना सूना पड़ा हुआ था और ज्यादातर सभी लड़कियों को वो भूत ले जा चुके थे।
सिर्फ वही लड़कियां सेफ थी जो अपने घरों में बंद थी। यहाँ तो बहुत बुरी हालत है, वो भूत जरूर उन लड़कियों को जंगल की तरफ ही लेकर गए होंगे, जल्दी वहाँ चलो। बूढ़ा आदमी, राम और बाबा जंगल की तरफ जाने लगे। वो बस पहुँचने ही वाले थे कि तभी उन्हें वो भूतों की बारात दिखाई दी जिसमें सभी लड़कियां भी कैद थी। मैं इन्हें अपने गाँव की एक भी स्त्री को अगवा नहीं करने दूंगा, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। राम अपनी जान की चिंता किए बिना भागा और उन भूतों पर टूट पड़ा। उसने कुछ भूतों का मजा चखा कर काफी लड़कियों को आजाद कर लिया, लेकिन तभी उन भूतों के राजा ने राम पर पीछे से अपनी शक्तियों से वार किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुल्हन को भगाने की? उस भूत ने राम को हवा में लटका दिया कि तभी पीछे से तांत्रिक बाबा ने अपनी जादुई छड़ी से उसके ऊपर वार कर दिया और वो भूत घोड़े से गिर पड़ा। भूत के गिरते ही सभी भूत उसकी तरफ बढ़े और बाबा ने मौका देखकर उन सभी को एक जादुई डोरे से बांध दिया और सभी लड़कियां आजाद हो गई। छोड़ दे हमें, छोड़ दे। बाबा बाबा इन्हें जल्दी से खत्म कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर ये मेरे बस में होता तो मैं जरूर करता। तो हम क्या कर सकते हैं? जल्दी कीजिए, देखिए वरना ये लोग इस डोरे को तोड़कर भाग निकलेंगे। बाबा ने कुछ देर सोचा। एक रास्ता है, अगर मैं इस जादुई जंगल की घेराबंदी कर दूं, तो ये भूत प्रेत आत्माएं यहाँ से कभी नहीं निकल सकेंगी। इस तरह ये भी खुश रहेंगे और हम भी। सभी को बाबा की बात बहुत पसंद आई। बाबा ने अपनी शक्तियों से उस जंगल की घेराबंदी कर दी और सारे भूत चुड़ैलों को उसी में बंद कर दिया, और पर कभी भी वो भूत उस जंगल से बाहर नहीं आ पाए और सभी खुशी खुशी रहने लगे।